पे 13 में देखें क्या कह रहा है। 13 में कहते हैं जी, ड्यूरिंग द ईयर सीएन लिमिटेड रोट ऑफ एन अनपेड इनवॉइस ऑफ 540। क्या मतलब भाई? मतलब ये हमने एक अनपेड इनवॉइस जो है वो बैड डेट को राइट ऑफ किया ड्यूरिंग द ईयर, विच एंट्री जो सीएन लिमिटेड मेक एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, जब बैड डेट होता है यार एंट्री क्या बनाते हैं? बैड डेट डेबिट और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री बनाते हैं? बैड डेट डेबिट और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे जो कस्टमर होगा उसको क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन मसला यह है कि वो बैड डेट की एंट्री नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है बताओ ईयर एंड पे क्या एंट्री बनाएंगे। तो होता ही है मेरे भाई, ईयर एंड पे उल्टा हो जाता है हिसाब किताब। उल्टा कैसे? वो जो बैड डेट डेबिट होता है उसको ईयर एंड पे खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। हाँ, जो बैड डेट डेबिट पे पड़ा होगा उसको ईयर एंड पे क्रेडिट कर देंगे, और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इनकम स्टेटमेंट में। तो याद रखें भाई, ईयर एंड वाली जब एंट्री बोल रहे हैं एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो हम उल्टा एंट्री बनाएंगे। पहले एंट्री बनाते हैं बैड डेट डेबिट कस्टमर क्रेडिट, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, बैड डेट को क्रेडिट कर देते हैं और इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? डी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उस्मान खलील आए हैं भाई ऑनलाइन। उस्मान खलील देख लो जरा, मॉक जो है हमारे पास चल रहा है 12 और इसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 14।